शहर के 30 सरकारी स्कूल जदीद तर्ज़े तालीम से आरास्ता। ई लर्निंग पंजाब प्रोग्राम में तौसी का मंसूबा। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद ने गुलबर्ग CDG गर्ल्स हाई स्कूल में तौसी ही मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर नसीम जाहिद ने कहा कि ई लर्निंग पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर के 30 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगा दिए गए। 18 गर्ल्स और 12 बॉयज स्कूल शामिल हैं। अब तलबा जदीद तर्ज तालीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें यह है कि डिजिटल बुक्स जो हैं वो अपलोड की जाएंगी स्मार्ट बोर्ड पर और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने हमारे 30 हाई स्कूलों में इस वक्त स्मार्ट बोर्ड मौजूद हैं। तरबियत याफ्ता साजा का कहना था कि पहले मरहले में स्मार्ट बोर्ड पर 8वीं जमात के बच्चों को साइंस और हिसाब पढ़ाया जाएगा। तलबा किताबों की निस्बत तस्वीर के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। वीडियोस और सिमुलेशन और एनिमेशन के जरिए जो बच्चों को स्टडी में बहुत हेल्पफुल है। जैसे हम बच्चों को साइंस कुछ भी पढ़ाते हैं ना, बच्चा इतना इजीली समझ नहीं सकता, लेकिन जब बच्चों को हम उसी चीज की वीडियो दिखाएंगे, एक डायग्राम है उसके लेबल पार्ट्स दिखाएंगे, तो बच्चा उसे बड़ा अच्छा समझ लेगा। इफ्तिताही तकरीब में DEO सेकेंडरी मलिक एहसान और डिप्टी डायरेक्टर अतर सईद समेत तालिबात ने भी शिरकत की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।